हालांकि रायपुर की एक सीट है, उस पर नजर रखनी होगी। पारंपरिक कांग्रेसी जो बागी होकर चुनाव मैदान में है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आंकड़े लगातार बढ़ते हुए, छत्तीसगढ़ में 90 में से 9 सीटों पर रुझान, मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 12 पर रुझान, तो लगातार ये अपडेट। और बदल गई दिल्ली एक बार फिर, अब मध्य प्रदेश की 15 सीटों का रुझान सामने आ गया है। 9 बीजेपी, कांग्रेस 6। देखिए 15 सीटों का रुझान, ये आखिरी तस्वीर नहीं है, ये रुझान है। और एक बार फिर 9 पे बीजेपी, 6 पर कांग्रेस, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ पे 90 में से 9 पर रुझान आ गया है, 3 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस। तो लगातार ये तेजी से बदलता हुआ आंकड़ा, ये रुझान है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस आगे, 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 पर बीजेपी। मध्य प्रदेश की तस्वीर, 9 पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 पर कांग्रेस आगे चल रही है, ये रुझान है। पोस्टल बैलेट अभी काउंटिंग, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद ईवीएम का सिलसिला शुरू होगा। और अगर टैली अभी इस रफ्तार से काम कर रही है तो बाद में इसकी रफ्तार का अंदाजा आप लगा लीजिए। और छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा बदल गया है, 12 पर आ गया है, 4 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए 4 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, लेकिन ये लगातार पल पल टैली बदल रही है। आगे कौन सा नंबर किसके खाते में ज्यादा बढ़ेगा, वो जानकारी आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को भी मिलेगी। और मैं और ललित यहां से बताएंगे भी, और हमारे तमाम सहयोगी जो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं वो भी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश की टैली बता रही है 17 हो गया है आंकड़ा, 10 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस, लेकिन ये रुझान है। लगातार इस बात को हम साफ भी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रुझानों की अगर बात कर ली जाए, दोनों दलों के लिए अपनी अपनी जगह खुश होने की बातें। छत्तीसगढ़ में 12 सीटों का रुझान, 4 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस। मध्य प्रदेश 17 सीटों पर रुझान, 10 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 7 पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद क्या स्थितियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। टैली की रफ्तार भी आज देखते बन रही है। बिल्कुल, टैली की रफ्तार देखते बन रही है। हमारे सहयोगियों की भी जो लगातार टैली को अपडेट भी कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ कर रही होगी ललित यहाँ पर। और लगातार हर तस्वीर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरह कांटे की टक्कर बनी हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 हो गया आंकड़ा, 5 बीजेपी, 10 पर बीजेपी कांग्रेस, माफ कीजिएगा, 10 पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी। और मध्य प्रदेश में 20 हो गया है। और चलते हैं रट सेंटर अवंतिका के पास। अवंतिका, इस तरह से अपर्णा, ललित आप इस बात का जिक्र करें कि टैली में परिवर्तन और यहां पर भी हलचल बढ़ती हुई, सीधे आपको दिखा देते हैं डेस्कटॉप पर किस प्रकार की हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या अपडेट, ताजा आंकड़े। देखिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अभी 2 सीटों के जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी 4 सीटों के रुझान है, जिनमें से 3 पर कांग्रेस आ गए और 1 पर बीजेपी आ गए। और मध्य प्रदेश का भी अब चेक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर लगातार टैली की अपडेशन चल रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बैलेट की काउंटिंग और लगातार टैली में भी अपडेशन। छत्तीसगढ़ का अगर आंकड़ा देखते हैं तो बस्तर को लेकर सबसे पहले जानकारी, बलरामपुर का जिक्र है, बेमेतरा का जिक्र है, बस्तर का जिक्र है, जहां पर लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर लीडिंग स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी, जहां पर दीपेश साहू का नाम सामने आता है बेमेतरा से, प्रत्याशी जो कि बीजेपी के साथ लीडिंग बनाए हुए हैं। लेकिन लगातार इस बारे में आपको जानकारी दे कि तमाम जो प्रत्याशी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो समर्थक देख रहे हैं, उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुझान महज है, नतीजों